नमस्कार, मैं वैशाली। ये देखिए, आज मैंने बनाई है बटर मटरी, और आप देख सकते हो देखने में ही मटरी कितनी बढ़िया दिख रही है, बढ़िया लेयर्स वाली दिख रही है। और सबसे अच्छी बात है, मैंने इसमें बटर डाला, उसका फ्लेवर तो बहुत ही बढ़िया आता है, उससे बढ़िया खस्ता बनती है। और इसमें मैंने काली मिर्च, अजवाइन और कसूरी मेथी डाली, जिससे मटरी का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि मटरी कितनी बढ़िया बनी है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है ये। तो ये देखिए, बटर मटरी बनाने के लिए मैंने 2 कप यहाँ पर मैदा लिया हुआ है, और मैदे को मैंने छान लिया है। कब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, तो काली मिर्च को मैंने दरदरा कूट लिया है, तो लगभग 10 से 12 दाने काली मिर्च के थे। काली मिर्ची का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इसमें। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा हाथ में लेके इस तरह से मसल देंगे, तो उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए, मैं इसमें अजवाइन डाल दूंगी, और साथ ही अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी का फ्लेवर मटरी में बहुत ही बढ़िया आता है, तो 2 चम्मच भर के मैंने लिया हुआ है। और क्योंकि मैं बटर मटरी बना रही हूँ, तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैं यहाँ पर बटर डाल रही हूँ। और आपको लग रहा है कि मान लो ना, आपके पास कप नहीं है, आपने अंदाजे से डाला है कटोरी के हिसाब से, तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले 2 चम्मच भर के तो आप डाल दो, और उसके बाद जब हम देखेंगे कि कम लग रहा है इसमें बटर, तो आप फिर मिक्स भी कर सकते हो। क्योंकि ये सॉल्टेड बटर है, तो मैं नमक मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ, लगभग 1/4 चम्मच के करीब। आप टेस्ट भी कर सकते हो आटा गूंदने के बाद, अगर आपको कम लग रहा है तो आप डाल भी सकते हो। तो आप क्या करेंगे, हम इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से मिक्स करेंगे। गरम करके नहीं डालूंगी मैं, इस तरह से डालूंगी, तो मटरी बहुत ही बढ़िया खस्ता बनती है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मटरी का। ये देखिए, बस बस हमें हाथों से इस तरह से मिक्स करते जाना है। और जैसे कि हम नॉर्मली तेल का मोइन डालते हैं, जिससे मटरी बहुत खस्ता बनती है, तो बस सेम वैसे ही हम बटर डाल रहे हैं। और जैसे ही पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा बटर, तो फिर आप जब इस तरह से बंद करके देखोगे, मतलब हाथ में आटा लोगे, तो ये पूरी तरह से बाइंड होना चाहिए, मतलब एक मुट्ठी बन जानी चाहिए, तब आपको लगेगा कि परफेक्ट हमारा मोयन हो चुका है। मान लो कम है, तो आप बटर और भी डाल सकते हो। तो ये देखिए, बटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और आप देख ही सकते हो कि आटे में बढ़िया मॉइस्चर दिख रहा है। तो मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ, ये देखिए, तो अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, मुट्ठी बन रही है, तो हमारा जो मोयन है परफेक्ट हो चुका है। मान लो आपके इसमें नहीं हो रहा है ऐसे, तो आप इसमें और बटर डाल सकते हो। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के टाइट आटा गूंथ लूंगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, एकदम से पानी नहीं डालेंगे, और नॉर्मली पानी है, ये गर्म है ना ठंडा है, नॉर्मली है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और अच्छी तरह से टाइट आटा तैयार कर लेंगे हम मटरी के लिए। तो ये देखिए, बटर मटरी के लिए आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हो कि बढ़िया टाइट ही दिख रहा है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रखा है मैंने। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए, और ऐसे बहुत ज़्यादा मलना नहीं है, अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, बस वैसे ही रखना है, और अच्छी तरह से टाइट है। आप देख सकते हो अच्छे लेयर्स इसमें दिख रहे हैं। तो अब हम इसे लगभग 6 से 7 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। इससे क्या होगा, आटा बढ़िया सेट हो जाएगा, और बहुत ही बढ़िया हमारी मटरी तैयार होगी। तो ये देखिए, लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और आटा हमारा बढ़िया सेट हो चुका है, ये नरम भी नहीं हुआ है और अच्छी तरह से टाइट है। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं ऑयल लेती हूँ, ये इस तरह से थोड़ा सा, और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, बढ़िया टाइट है आटा, मटरी हमारी बहुत ही बढ़िया बनेगी, अच्छी खस्ता बनेगी। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा आटा इस तरह से तोड़ लूँगी, ये देखिए, और छोटे छोटे गोले तैयार कर लूँगी। गोल गोल नहीं करना है, बस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको छोटी मटरी बनाना है कि बड़ी मटरी बनाना है, उस हिसाब से आप इस तरह से थोड़े थोड़े से पोर्शन अलग करते जाओ। ये देखिए, और आपने देखा होगा कि आटा बिल्कुल भी चिकना नहीं दिख रहा, ऐसे ही दिखना चाहिए, रफली जैसे अनइवन होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से 4-5 में पहले पोर्शन अलग कर देती हूँ। फिर क्या करेंगे हम, ये देखिए, एक लेना है हमें, और इस तरह से आप देख ही सकते हो चिकना नहीं है, और चाहे तो आप बेल भी सकते हो उसको, ऐसा गोला लीजिए, और इस तरह से हाथ में, मैं इस तरह से हाथ में प्रेस करके बना रही हूँ, ऐसे मुझे अच्छे लगते हैं देखने में भी, और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़िया आता है। चाहे तो आप ऐसे रखो, और बेलन से बेल भी सकते हो,
और अब क्या करूंगी, एक फोक के साथ ऐसे इस तरह से छेद कर देंगे। इससे क्या होगा, अच्छी तरह से फ्राई भी होगी और हमारी जो मटरी है बिल्कुल भी फूलेगी नहीं। ये देखिए छेद जो है आर पार हो जाए, ये देखिए। तो एक और मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरह से। मान लो कि आपका ये जो गोला है आटा, तो चिकना हो गया, तब इस तरह से कर लीजिए। इस तरह से बहुत अच्छे लेयर्स भी आते हैं, बढ़िया मटरी दिखती है। ये देखिए प्रेस करिए बढ़िया, और आपको लग रहा है प्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप आराम से बेलिए, जैसे चकला बेलन पे हम रोटी को बेलते हैं, बस हल्की सी मोटी रखी है थिकनेस, आप देख सकते हो थोड़ी सी मोटी रखी हुई है मैंने, क्योंकि मोटी जो मठरी खाने में अच्छी लगती है चाय के साथ। तो ये देख सकते हो अब काली मिर्ची भी दिख रही है, मेथी भी दिख रही है। तो बस फोक की सहायता से इस तरह से आर पार छेद कर देना, और इस तरह से मठरी तैयार करती जाती हूँ मैं। तो ये देखिए मटरी तलने के लिए मैंने तेल रख दिया था कढ़ाई में, और तेल गरम हो चुका है, और बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, धीमी आंच पे ही हमें मटरी को फ्राई करना है। तो ये देखिए मैंने मटरी बना ली है, तो अब मैं वो इसमें डालती जाती हूँ। और मान लो कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो आप थोड़ी देर गैस बंद भी कर सकते हो। तो ये देखिए मटरी मैंने फ्राई करने के लिए डाल दी है, और डालते से ही पलटूंगी नहीं, 2 से 3 मिनट पहले फ्राई होने दूंगी, उसके बाद में पलटूंगी, और गैस की आंच भी मैंने धीमी रखी है। तो ये देखिए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मटरी को फ्राई होते हुए, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है क्योंकि इसमें मेथी डली हुई है। तो अब मैं मटरियों को पलटती हूँ, और इसी तरह से हमें पलट पलट के मटरी को फ्राई करना है, जब तक इसमें हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए, और धीमी आंच पे ही फ्राई करना है, तभी हमारी मटरी, क्योंकि हम थोड़ी सी मटरी मोटी बनाते हैं तो अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई होनी चाहिए। तो जब तक इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए, तब तक हमें इस तरह से पलट पलट के ही फ्राई करनी है, और गैस की आंच फुल नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से मटरी कच्ची रहेगी। तो ये देखिए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमारी मटरी को फ्राई होते हुए, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं मटरी निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेनर ले लेती हूँ, बड़ा झारा, और उसमें मैं ये मटरी निकाल लूंगी। आप देख ही सकते हो कितनी बढ़िया मटरी दिखाई दे रही है, ये देखिए, और एक्स्ट्रा ऑयल में इस तरह से झाड़ लूंगी। आवाज से ही पता चल रहा है कितनी बढ़िया क्रिस्पी मटरी बनी है। और ये देखिए मैं प्लेट में निकाल लूंगी, ये देखिए कितनी बढ़िया मटरी दिखाई दे रही है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बटर मटरी बनी है, और आप देख के ही पता लगा सकते हो कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, बढ़िया खस्ता दिखाई दे रही है। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी बनी है, ये देखिए। और आप लेयर्स भी देख सकते हो कितने अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से मैंने इसे फ्राई भी किया हुआ, क्योंकि जितने अच्छे से हम फ्राई करेंगे मटरी उतनी ही खस्ता बनती है। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए आवाज ही सुन सकते हो आप, ये देखिए बहुत ही खस्ता बनी है मटरी हमारी, ये देखिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बटर मटरी की रेसिपी पसंद आएगी, और जब ये मटरी पूरी तरह से ठंडी हो जाए, तब आप इसको एक एयर टाइट जार में रख के आराम से महीने भर तक खा सकते हो। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे या चाय के साथ, तो आप इसे जरूर खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है।